नगर निगम ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इकबाल सोलंकी, पूर्व विधायक अरुणा तोमर को हाउस टैक्स बकाए का नोटिस भेजा है। इन दोनों के अलावा निगम ने करीब 387 बकायेदारों को कुर्की और नीलामी का नोटिस दिया है। कानपुर में निगम ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विधायक के चाचा इकबाल सोलंकी को नगर निगम ने 1,33,00,000 रुपए का हाउस टैक्स का नोटिस भेजा है। नगर निगम इकबाल के साथ ही हाउस टैक्स के 387 बकायेदारों को भी नोटिस भेजा है। निगम ने हाउस टैक्स जमा ना करने पर नोटिस में संपत्ति की कुर्की और नीलामी की भी बात कही है। खास बात यह है कि किदवई नगर पोस्ट ऑफिस में भी बकायेदार शामिल है, उन पर 1,00,00,000 से ज्यादा हाउस टैक्स बकाया है, इसे भी नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा 10 गेस्ट हाउस, 12 फैक्ट्रियां और इनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इसका विज्ञापन भी नगर निगम ने प्रकाशित कराया है। नगर निगम की तरफ से जारी किए गए नोटिस में घरों की तालाबंदी के साथ ही बैंक खातों को सीज करने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बकायेदारों को रुपए जमा करने हैं तो बकाये की तारीख से 1% मासिक ब्याज भी देना होगा। इकबाल सोलंकी को मकान के लिए हाउस टैक्स का ये नोटिस भेजा गया है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इरफान के चाचा को नगर निगम ने संपत्ति की नीलामी और कुर्की का नोटिस दे डाला है। इसी के साथ ही पूर्व सपा सांसद लाल सिंह तोमर की पत्नी को भी कुर्की की नोटिस दी गई है। नगर निगम इन सभी को हाउस टैक्स का बड़ा बकायेदार बता रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि अब इन लोगों पर नकेल कसी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कुर्की का काम भी किया जाएगा। बकायेदारों की लिस्ट में पूर्व सपा सांसद लाल सिंह तोमर की पत्नी पूर्व विधायक अरुणा तोमर और उनके बेटे अरुण तोमर को भी जगदम्बा गेस्ट हाउस का बकाया हाउस टैक्स के एवज में नोटिस दिया है। सभी की संपत्तियों की कुर्की की अलग अलग तिथियां तय की गई हैं, जो इसी महीने से लेकर मार्च तक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब नगर निगम के कुछ बड़े बकायेदारों के बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। नगर निगम के ये कुछ बड़े बकायेदार हैं, जिनमें आप देखिए हाजी इकबाल सोलंकी 1,33,00,000 रुपए, जगदम्बा गेस्ट हाउस अरुणा तोमर 10,81,000 रुपए, इसके अलावा खालिद अमीन खान जाजमऊ 1,36,00,000 रुपए, सुमित महाना काचीखेड़ा 1,00,000 रुपए, परिणय मैरिज लॉन श्यामनगर 2,79,000 रुपए, नौशाद इरशाद जाजमऊ ब्लॉक ए 43,68,000 रुपए, इसके अलावा शीतला एक्सपोर्ट 2,19,000 रुपए, रहमान इंडस्ट्रीज जाजमऊ 3,56,000 रुपए, रहमान इंडस्ट्रीज सेकेंड जाजमऊ 1,07,000 रुपए, अख्तर हसन जाजमऊ 26,95,000 रुपए। तो ये कुछ बकायेदार हैं जिनके बारे में